यार नदी देखो क्या बहाव है यार, कोई बंदा बह गया तो मिलेगा नहीं भाई, पक्की बात है। भाई और बहनों क्या हाल है आप सबके, मैं बढ़िया हूँ, फुली आप सब भी ठीक हो। तो भाइयों आज का सीन कुछ ऐसा है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो रही है, पता है भाइयों, क्योंकि पूरी देश पूरे वर्ल्ड में पूरा का पूरा कोरोना का वैसे ऐसी तैसी हो रही है। जैसा आपको सबको पता है कि कोरोना ने कोविड ने सबकी ले रखी है बढ़िया करके, तो हमारी भी ली कोरोना ने। तो अब तक तो थे भाई घर में, अब बढ़िया करके अब जा रहे हैं कहीं घूमने। आज का मुद्दा ऐसा है कुछ कि आज जाने वाले हैं हम अपने उत्तरकाशी के एक बहुत बढ़िया ट्रैक केदारकांठा ट्रैक में। तो अभी हम आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं, ये जगह है अपनी जरमोला धार, और हम जरमोला धार पहुंच चुके हैं, अब केदारकांठा के रास्ते में हैं हम। तो आ जाए हम अपने भाई शिवम नेगी के साथ, पीछे खड़े हैं हमारे साथ लाल टोपी में अपने भाई शिवम नेगी। तो आज का सीन बहुत तगड़ा होने वाला है, आज का मुद्दा बहुत ही ज़्यादा सॉलिड होने वाला है भाई। वो ब्लॉग पूरा देखे और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बाकी तो पता ही है तुम्हें क्या करना है, कमेंट मारो लाइक मारो। नेगी जी फीलिंग कैसी है? सॉलिड है भाई, सेक्सी है भाई, फीलिंग सेक्सी फीलिंग हो रही है। चलो ठीक है भाई चलते हैं, फिर अब कंटिन्यू करते हैं। बहुत ये भल्लिया भाई हमने पानी, और ये है अपनी टॉन्स नदी। आवाज़ सुन रहे हो भाई क्या, बहुत शानदार बहुत बड़ी नदी है यार। नेगी जी परेशान हो रहे हैं, थोड़ा लेट हो रहा है, तो चलो चलते हैं। तो गाइस अभी पहुंच चुके हैं मोरी से करीब 2 या 3 किलोमीटर आगे, और यहाँ पे एक बहुत शानदार बहुत बड़ी नदी बहती है जिसका नाम है टॉन्स नदी। जैसे आपने सुना भी होगा, क्या पता, उत्तरकाशी में एक बहुत बड़ी नदी बहती है, जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हो, क्या शानदार नदी है यार। तो आपको दिखाता हूँ आवाज़ कितनी ज़्यादा आ रही है, मुझे पता है यार, क्या पता तुम्हें सुनाई दे रही हो या ना सुनाई दे रही हो, पर बहुत बड़ी नदी है यार। तो अभी तुम्हें चढ़ के दिखाते हैं, व्यू दिखाते हैं, यहाँ से आगे एक पत्थर है, तो कोशिश करता हूँ वहाँ पहुँचने की। भाई अभी ये टॉन्स नदी के बिल्कुल बीच या थोड़ा किनारे में है भाई, बहुत बड़ा पत्थर है, इसके ऊपर चढ़ा हूँ मैं अभी। तो यार बहुत तो बहुत खतरनाक हो रहा है, बहुत डर लग रहा है यहाँ पे चढ़ के यार, बहुत सही है सीन। वैसे दिखाता हूँ भाई आपको चढ़ के क्या सीन हो रहा है, और बड़ा पत्थर मिल गया इसके ऊपर चढ़ वो भाई सीन देखो यार, क्या तगड़े हो रहे हैं यार, पीछे देखो यार नदी देखो क्या बहाव है यार, कोई बंदा बह गया तो मिलेगा नहीं भाई, पक्की बात है। ये 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 सीन है भाई, पहाड़ों के सीन है भाइयों। चलो वापस चलते हैं, बहुत ज्यादा हो गया। तो गाइस एक प्लान में चेंज आ चुका है, अब तक हम जा रहे थे सांकरी, वहाँ से सोच रहे थे हम केदारकांठा ट्रैक पे जाएं, तो अभी हमें पता चला है अभी क्या हम जा के आ रहे हैं यार सांकरी में। तो
तो अभी सांकरी में रूम अवेलेबल नहीं है, इसलिए दिक्कत हो गई यार। अब हम वहाँ नहीं, अब हम जखोल जा रहे हैं। जखोल में अपना दोस्त है, वहाँ स्टे करेंगे आज रात को। तो बस ये प्लान है यार, एक मेजर चेंज आ चुका है, क्योंकि यार अब तक हम सोच रहे थे ट्रैक करने जाएँ शाम के लिए या कल तक जाएँ, तो यार अब जखोल जाना पड़ेगा और अब वहीं से करना पड़ेगा सीन कुछ बढ़िया। परसों की आ रही थी, अभी परसों से आ रही इधर को आई है बुद्धि नहीं बाओ की आई है क्या बोल दी कोई क्या आई वीडियो बना रहा हूं नहीं आती रे रोड पे जाती है ना आजकल बस पता ही ना आती और ले करो आ रहा है और ले बाजार भाई तो तेरे तो हाँ जी भैया जी, सीन कुछ ऐसा हुआ कि हम निकले थे सांकरी को ताकि हम कल जा सके केदारकांठा ट्रैक पे। तो यार सांकरी पहुँचे तो हमें पता चला कि यार रूम अवेलेबल नहीं है, तो हमने सोचा अब घर जाना तो ठीक नहीं है। तो हमारा दोस्त रहता है यहाँ से, मतलब सांकरी से पहले एक रोड कटती है जखोल के लिए, तो हमने सोचा कि यार जखोल चला जाए। तो अभी हम जखोल पहुँच चुके थे, तो मतलब थोड़ी देर पहले पहुँच चुके थे हम, 2 घंटे पहले जखोल पहुँच गए थे। तो यार अब यही सीन है, अब सोचा है अब जखोल में घूमते हैं थोड़ी देर। तो अभी एक बढ़िया सी लोकेशन है, यहाँ आए हैं हम अभी, थोड़ा जखोल से थोड़ा आगे है राला गाँव है शायद, यहाँ पे राला गाँव है एक, तो वहाँ आए हैं। अभी दिखाते हैं आपको व्यू भाई, क्या शानदार व्यू है। जी भाई जी, आज का मुद्दा कुछ ऐसा है कि आज सुबह चल लेते हैं हम 5 बजे जखोल से लेकर टॉप के लिए। बहुत शानदार जगह है भाइयों, अभी दिखाते हैं तुम्हें क्या शानदार जगह है। तो मैं था एक, मेरा भाई शिवम, और शिवम को तो तुम जानते ही हो, और मेरा भाई एक हरदेव भाई, और अपना भाई निशु। तो इन तीनों बंदों के साथ आए थे सुबह भाई, 5 बजे चल लिए थे हम जखोल से, और करीब 1.5 या 2 घंटे में पहुँच गए थे। बहुत चढ़ाई है भाई, तगड़ी थक लग रही थी यार, और वहाँ बहुत तगड़ा सीन हो रहा है यार, यहाँ पे एपिक लेवल। यहाँ से सारा केदारकांठा भी दिखता है, और यहाँ से सिरगा पुर्ती, यहाँ के बहुत सारे तगड़े गाँव हैं। यहाँ से नज़ारा क्या होता है भाइयों, अलग लेवल है, एपिक लेवल है। जोश क्या है भाई, हृदय भाई बताओ।
जोश कैसा है? जोश तो बहुत तगड़ा है और घर तगड़ा क्राउड बोलता है एकदम। है रहता तो बाबा देख ही रहे हो लेवल क्या हो रहा है, अभी दिखाते हैं तुम्हें क्या क्या सीन हुआ है है। यहाँ। तो भाई ये है यहाँ का व्यू, व्यू एपिक है भाई। ये सामने जो दिख रहा है ये पहाड़ ही है भाई, अपना केदारकांठा, ये अपने भाई लोग। और जो यहाँ से आगे से दिखता है, यहाँ से भाई चार सिंह उत्तराखंड भी दिखता है। वो आखिरी में जो आप देख रहे हो ये है भाई अपना चार सिंह उत्तराखंड। थोड़ा कैमरे में दिख नहीं रहा है पर थोड़ा अभी है विजिबल। हम सोच रहे थे यार, तो कुछ ऐसा था कि यार मॉर्निंग में तो बस सनराइज़ देखेंगे लेक का टॉप से। भाई वो लोग बता रहे थे कि आज तगड़ा वेदर होता है और बिल्कुल सनराइज़ बहुत तगड़ा होता है, इसलिए हम सोचा 5 बजे चलेंगे दिख जाएगा सनराइज़। पर यार पहुँचते पहुँचते बहुत टाइम लग गया, सनराइज़ बहुत पहले हो गया था, तो कोई दिक्कत नहीं। पर व्यू भाई यार मतलब पैसा वसूल है यार, तुम आओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल तगड़ी जगह है। एक्साइटमेंट तो इतनी थी, अपना हरदेव भाई है जो, हरदेव भाई चप्पलों में चला यार, रात को बिल्कुल अपने साथ ही बिल्कुल था। भाई ने बोला ये जाना है तो जाना है भाई, बिल्कुल सुबह उठा सीधा चप्पलों में, कोई प्रभात दिक्कत काल नहीं में है। सीधे चल दिए उन्होंने बोला यार सनराइज देखेंगे, पर जब चलते लगे ना भाई चढ़ाई है ना जो भाई क्या होता है तुम्हें, पर पैसा वसूल है भाई व्यू। तुम आराम से आओ भाई, बहुत मेहनत है वैसे, ऐसी बात नहीं है, थकाओ बहुत, थकावट तो बहुत है रास्ते में, पर आखिरी में जो व्यू है भाई पैसा वसूल, सारी थकान दूर हो जाती है एक झटके में यार। लौंडे देख रहे हो बिल्कुल, सुबह चल दिया बिना मुंह धुले भाई, समझ सकते हो लेवल अपना। हमने सोचा था सनराइज़ हो जाए तो बढ़िया होता, सनराइज़ दिखता अगर, पर कोई नहीं भाई बढ़िया था। जाने का टाइम है, हम निकल रहे हैं जखोल से, एक दिन हो चुका है अपना स्टे, घूम फिर के आ चुके हैं। और एक बार बताना भूल गया था, हम रुके थे यार निशु भाई के यहीं रुके थे जो अभी आया था, तो हो चुका है अब समय, हम निकल रहे हैं परोल्ला के लिए। हाँ भाई जी, जखोल से वापस पहुँच चुके हैं जरमोला धार, जहाँ का व्लॉग स्टार्ट करा था। और यार अपना ट्रिप बहुत सही रहा, बस थोड़ा सांकरी में दिक्कत हो गई थी, पर कोई नहीं यार जखोल का बहुत सही सीन था। और लेखा टॉप तो भाई क्या जगह थी यार, मानने वाली बात है यार, बहुत सही जगह है मतलब अपने पहाड़ों में। और तो बस वही है यार, सही सही है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर तो करना, और बाकी सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, जितने नहीं कराओ कर दो भाई जल्दी। थैंक यू भाई।